सो है गाइस, स्वागत है खजुराहो के पार्ट टू वीडियो में। तो अभी हम लोग जो ये जो पार्ट टू है ये बनने वाला है कि इस खजुराहो में एक छोटे छोटे से भी मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है पर छोटे हैं, तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो मंदिर है ये ब्रह्मा मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये खजुराहो के समुद्री तट के बाजू में स्थित है। तो चलते इसके अंदर और जानकारी लेते थोड़ी सी। तो आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड पढ़ सकते हैं। तो ये जो मंदिर है ये पूरा वर्गाकार में स्थित है, और इसके अंदर वर्गाकार एक शिवलिंग दिखेगी आपको अंदर, जिसके आजू बाजू चार भुजाएं हैं। अंदर की ओर चलते हैं, देखिए अंदर की ओर आ गए हैं, और इसके ये देखिए वर्गाकार एक शिवलिंग है जिसके अंदर शिवलिंग के आजू बाजू चार ऐसी मूर्तियां हैं, और ये देखने में बहुत अच्छा शानदार, बहुत अच्छी कारीगरी है आजू बाजू। तो बाहर की ओर लेके चलता हूँ। तो ये जो इस मंदिर का आकार पिरामिड की तरह ऐसा ऊपर से देख सकते हैं आप, पिरामिड के आकार का बना हुआ है आपके ऊपर की ओर, और ये है खजुराहो का समुद्र तट, इसे कहा जाता है। खैर वैसे ये तो एक तालाब है, और एकदम पास में ही जस्ट बाजू में आपको ये मंदिर दिखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। सो है गाइस, ये है जवारी मंदिर जो कि ब्रह्मा मंदिर के रास्ते में आपको एकदम पास में 300 मीटर की दूरी में मिलेगा। तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। गाइस ये है जवारी मंदिर, और अभी हम लोग इसके अंदर जाते हैं, चप्पल जूते वगैरह बाहर उतारते हैं। जैसे कि आपने बताया एकदम बहुत पास में आप लोग रास्ते में मिलेगा, और अभी मैं जितने भी टेम्पल बताने वाला हूँ तो एकदम पास में ही है। तो अंदर की ओर चलते हैं। तो ये है जवारी मंदिर, इसके आजू बाजू की कलाकृतियाँ भी बहुत अच्छी है, देखिए वास्तुकला का अद्भुत नज़ारा आपको खजुराहो में ही मिलेगा, बहुत शानदार है ये चीज़। देखिए खजुराहो के जो शिव टेम्पल था उसी की जैसे यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी रखी हुई है। तो ये है जारवी मंदिर, देखिए वैसे यहाँ पे जब आक्रमण वगैरह होता था तो यहाँ पे जो आक्रमणकारी है ना वो मूर्तियों को तोड़ फोड़ देते थे। तो यहाँ पे ऐसी कुछ कुछ मूर्तियाँ जिस किसी के धड़ नहीं है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, जैसे जवारी मंदिर यहाँ पे आपको वहाँ की मूर्ति के सर नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी गलत हुआ बस, बाकी तो बहुत अच्छा है यार। हम लोग हैं वामन मंदिर में, तो अंदर की ओर चलते हैं। ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान का पाँचवा अवतार है, जब यहाँ पे पाँचवा अवतार लिया था जब वो छोटे थे, तो यहाँ पे भगवान विष्णु ने अपना बाल बटु अवतार लिया था। तो अभी अंदर की ओर चलते हैं, और ये भी बहुत छोटा मंदिर पर शानदार है यार, बहुत शानदार है। तो अंदर की ओर चलते हैं और मंदिर की ओर। तो गाइस इसकी जो यहाँ जो खजुराहो की जो फुल डिटेल है ना यार वो बहुत बड़ी है, तो मैं खुद बताते बताते थक जाऊँगा, तो मैं एक पर्सनली वीडियो खजुराहो के ऊपर बनाऊँगा जहाँ पर आपको हर एक मंदिर के बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स और बड़ी से बड़ी बातें जानने को मिलेगी। तो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आने में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से डिटेल्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, तो बाद में देखते हैं उसके बारे में। तो अभी चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये जो मंदिर है ये 1050 से 1065 ईस्वी के बीच में बनाया गया था, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। तो अंदर की ओर चलते हैं और बाहर से इसका दृश्य करते हैं। तो ये वामन मंदिर अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आपको एक मूर्तियाँ मिलेगी अंदर, बहुत शानदार जगह मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे पहले की जो राजा रानी जो यहाँ पे डांस वगैरह हुआ करता था यहाँ पे, और यहाँ पे जो है राजा रानी वगैरह बैठ के डांस देखा करते थे। और ऊपर की ओर जो देख रहे हैं आप ये जैसे यहाँ पहले पुराने ज़माने के यहाँ दिए हैं, यहाँ पे दिए जलाए जाते थे, पूरा ऐसा उजाले से भरपूर हो जाया करता था। ये देखिए वामन अवतार है, ये वामन में अवतार है, यहाँ पे भी घाट अलग से बाहर। अभी चलते हैं बाहर। ये जो मंदिर है ये भी बहुत काफ़ी शानदार है, सभी आपको यहाँ पे सभी राजा रानी पुराने ज़माने की सभी जीवन कलाएं आपको यहाँ पे दिखेगी, और एक एक छोटी से छोटी मूर्ति के अंदर आपको एक पूरा का पूरा जीवन काल दिखाया गया है कि एक बच्चा क्या कर रहा है। देखिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं,
यहाँ पे आपको एक ड्राइंग मिलेगी, यहाँ पे फोर्ट टाइप का कुछ बना हुआ है। तो ये देखिए ड्राइंग कितनी अच्छी है, तो काफ़ी शानदार ये भी मंदिर है। और इसके आगे और एक मंदिर है, वहाँ पे भी लेके चलते हैं हम आपको। तो बाकी ये देखिए ऊपर आपको एक छोटा सा हाथी का कुंड दिखेगा, और पूरी एक एक डिटेल में आपको यहाँ पे पूरी मूर्तियाँ दिखेगी। तो मेरी जो वीडियो आने वाली फुल डिटेल में आप वो ज़रूर देखिएगा, और कुछ टाइम बाद आ जाएगी। तो आपको यहाँ का पूरा एक जितना भी साम्राज्य था, जितनी भी हिस्ट्री, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो आपको इस मंदिर के बाहर ही मस्त दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पे आप पीतल के सामान और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ आपको पसंद आएंगी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए जैसे बहुत सारी जैसे पुराने कॉइन्स है, और बहुत सारी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ है। देखिए जैसे ये देखिए कछुए, ये देखिए ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगी। अच्छा हाँ जी, यहाँ सिगरेट लगाई। सो हे गाइस, अभी हम लोग हैं दिगंबर जैन मंदिर में, और वहाँ पे अंदर जाते हैं और फिर अंदर देखते हैं कि क्या चीज़ है। और जैन मंदिर है, और यहाँ पे बाजू में म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम की टिकट 10 रुपये है। तो हम लोग चलते हैं पहले अंदर की ओर। तो आप जैसे ही आते हैं यहाँ पे, अंदर आते ही आपको तो सबसे पहले ऐसा खुला सा ग्राउंड मिलेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो है उनकी कथा भजन वगैरह होती होंगी। और इधर साइड जो है लॉर्ड शांतिनाथ मंदिर, परमेश्वरनाथ मंदिर और लॉर्ड आदित्यनाथ टेम्पल है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप पूजा वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो ये सब अच्छा है यहाँ पे। तो चलते हैं इधर, बाकी जिधर साइड मंदिर है उधर साइड और चलते हैं। आप जैसे आते हैं शांतिनाथ टेम्पल के अंदर, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ वीडियो अभी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो यहाँ नहीं जाते तो देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी है। और यहाँ पे आप ये फोटोज वगैरह पढ़ के यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे खजुराहो में क्या क्या था पहले। तो ये है कुछ मूर्ति को न छुए, चलते बाहर की ओर। अंदर की ओर मंदिर है, यहाँ पे उनकी मूर्ति रखी हुई है। और बाकी आप काफ़ी अच्छा है, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जो मेन है, बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीछे आपको जैन भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है अंदर की ओर, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी मूर्ति है अंदर की ओर। और वहाँ पे भक्तजन पूजा वगैरह भी करते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं आगे भी, और क्या क्या मंदिर है यहीं पास में, 2-3 मंदिर यहीं पर ही है, वहाँ निकलते हैं। चलते हैं पार्श्वनाथ टेम्पल के अंदर, उस मंदिर से और एकदम पास में है ये पार्श्वनाथ मंदिर। तो देखिए यहाँ पर अभी तो अंदर ताले लगे हुए हैं, और बाकी यहाँ पे श्री नमिनाथ महावीर, श्री महावीर, और यहाँ पे भगवान जी को ना छुए इसीलिए वहाँ पर हर जगह हर एक टेंपल के सामने गेट लगा हुआ है। और ये है आदित्यनाथ जी का टेंपल, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे हाथी मिलेंगे। और फिर अंदर आते ही आपको बहुत ही बड़ा एक टेंपल मिलेगा, जो आप खजुराहो में जितनी भी कलाकृतियाँ मूर्तियाँ वो सब आपको हर एक मंदिर में एक एक जगह देखने को मिलेगी। तो अभी अंदर की ओर चलते हैं और मूर्ति देखते हैं कैसी है। तो ये है अंदर, देखिए एक मूर्ति दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पे अंदर तो नहीं जाने दे रहे, पर ठीक है आप देख सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पार्श्वनाथ जी का मंदिर। तो लेके चलते हैं इसके अंदर की ओर, और यहाँ पे कैसी मूर्तियाँ हैं तो वो भी देखते हैं। वैसे इसके आजू बाजू में तो सेम ही, जैसे खजुराहो में हर मंदिरों में सेम आजू बाजू में ऐसी ही मूर्तियाँ हैं। तो चलते हैं अंदर की ओर। तो देखिए अंदर पार्श्वनाथ जी का एक मूर्ति रखी होंगी, और आजू बाजू कैसी कलाकृतियाँ है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो तो टूटता है ना, ये जैसे कोई आक्रमण करता है तो वो सब ये ख़राब करके चले गए, पर अभी भी सेफ है अपने पास, तो हम लोग देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं उस ज़माने का। तो पार्श्वनाथ टेम्पल के बाजू में ही आपको श्री शांतिनाथ जी का टेम्पल मिलेगा, तो उनके भी दर्शन करके आते हैं। तो फाइनली ये है आदित्यनाथ जी का टेम्पल, तो अंदर की ओर चलते हैं।
ऐसा कुछ दिखता है अंदर से आदित्यनाथ जी का टेम्पल। और ये देखिए अंदर मूर्ति है, आदित्यनाथ जी की मूर्ति, श्री आदित्यनाथ जी की मूर्ति है। और ऐसा कुछ है अंदर से। और यहाँ पर जब अपन अंदर आते हैं तो काफ़ी ठंडक महसूस होती है। तो बावली देख रहे हैं, ये 250-300 फीट नीचे है यार, बहुत गहरी होंगी बावली। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जैन म्यूजियम, जो कि मंदिर से आगे एकदम चिपकी। अब मैंने अभी जितने भी मंदिर बताया वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, पास में ही है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, अंदर ही अंदर हो जाता सब कुछ। तो चलते हैं म्यूजियम की ओर। तो इस मंदिर की ही जैसे देखते हैं आप, मंदिर के गेट के बाजू में जैसे आप रिटर्न आएंगे तो आपको यहाँ पे म्यूजियम मिलेगा। तो हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के टिकट जो है वो 10 रुपये, तो पे करते हैं फिर निकलते हैं म्यूजियम के अंदर और देखते हैं क्या क्या है। म्यूजियम के अंदर आते ही आपको एक गार्डन मिलेगा जो कि अच्छा है, छोटा सा गार्डन है और म्यूजियम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं, म्यूजियम है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, इंटरेस्टिंग चीज़ तो होंगी अंदर। तो गेट बड़ा जिससे किधर से जाना, हाँ भैया तो यहाँ से जाना है अंदर की ओर। तो आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको ये दो मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, ये तो आगे से कुछ ऐसा दिखता है। अब चलते हैं अंदर की ओर। तो अंदर जो है यहाँ पे जैन मूर्तियाँ है पूरी की पूरी, जो भी इनके पुराने अवतार होंगे या फिर जैसे भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए द्विमाकृति का और ये तीर्थकार मूर्ति देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है हमारी आवाज़ गूंज रही है, देखिए ये तीर्थकार जिसका सर नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ है जो आक्रमणकारियों ने ख़राब कर देते हैं। बहुत सारी भारत में जितने भी आक्रमण हुए बहुत सारा लॉस हुआ है हमें, बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ है जो पहले से जो रहना था अब वो नहीं है। तो ऐसा कुछ दिखता है जैन म्यूजियम। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा ये म्यूजियम देख के। एक झलक और देखिए आली। और जितने भी मूर्तियों के यहाँ पे कुछ जो भी पार्ट टूटे हुए तो वो सब यहाँ पे अलग से लगाया गया है, पर इन्हें जोड़ा नहीं गया क्योंकि अगर से जोड़ते तो हमें उस बारे में पता नहीं चलता कि क्या हुआ था भारत में। तो ऐसा अच्छा है बाकी सब कुछ। सो हे गाइस, ऐसा होता है। सो हे गाइस, ये था हमारा जैन म्यूजियम और जैन मंदिर। तो काफ़ी अच्छा लगा ये जैन मंदिर और जैन म्यूजियम घूम के, आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होंगी। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए इस सीरीज में। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं चित्रकूट के लिए। उससे पहले हम लोग 2 वाटरफॉल और कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही बड़े और बहुत शानदार है। तो जब तक के बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। अल्टीमेटली